आगे तो सुशांत की आखिरी मूवी दिल बेचारा 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, तो आप कितना एक्साइटेड है देखने के लिए? जी एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि सुशांत का ये लास्ट मूवी है, तो जैसे उसके पुराने मूवीज है उस बैकग्राउंड को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। एक्साइटेड तो बहुत है, सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है, इसके बाद तो उनका कोई एक्टिंग में करियर तो है नहीं, जैसे कि उन्होंने सुसाइड किया। एक्साइटमेंट तो बहुत है और पब्लिक को ये मूवी थिएटर में जाके देखनी चाहिए और हॉटस्टार पे भी फ्री हो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि सुशांत को इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता कि वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, तो उनको इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता कि सब मिलके और सब पब्लिक जाके उनका मूवी देखे। एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि मैं भी सुशांत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उसकी हर मूवी आती है तो मैं देखने जाती हूँ, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड। और वो ये मूवी उसकी लास्ट मूवी है इसलिए बहुत एक्साइटेड। हम क्या सब एक्साइटेड है, पूरा इंडिया एक्साइटेड है बहुत, क्योंकि ये उनकी आखिरी मूवी है, सो उनको एक्चुअली अच्छा लगना चाहिए, उनके एटलीस्ट सोल को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये लास्ट मूवी है तो उनको एकदम व्यूज वगैरह सब, और जैसे ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में 70+ मिलियन व्यूज चले गए, तो इट्स गुड थिंग। देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और हमेशा ही सुशांत की देखता हूँ पिक्चर में। सुशांत सिंह की लास्ट मूवी है, मतलब उनके डेथ के बाद मैंने ट्रेलर देखा है मूवी का, काफ़ी अच्छा है, कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी है और उनकी लास्ट मूवी छिछोरे भी मैंने देखी है, सो सुशांत है तो ऑब्वियसली उसकी लास्ट मूवी तो देखनी है। ओके, ट्रेलर देखा रहेगा आपने, तो ट्रेलर कैसा लगी आपको? ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लोगों को देखना चाहिए ये मूवी, क्योंकि कुछ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ट्रेलर देख के लग रहा है कि अच्छा होगा मूवी। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा पहले तो लाइक किया मैंने यूट्यूब पे जाके, क्योंकि उसका इतना ट्रेंडिंग चल रहा है और लाइक तो किया है मैंने पहले, और ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लव स्टोरी है उसका, और सुशांत तो अपना पहले से फेवरेट है सबका, अभी तो बहुत जन उनको फॉलो करते हैं, मेरा तो पहले से उनका, मैं तो पहले से उनका फ़ैन हूँ, बहुत फेवरेट है मेरे, मैं तो उनका मूवी देखने 100% जाऊँगा। ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक ही चीज़ का गम रह जाएगा कि बस सुशांत नहीं रहा इस दुनिया में, तो रहते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा ये कर पाते होंगे। अब्रॉड में शूट हुई मूवी है, सब एक्साइटेड है, मतलब यंगस्टर है, जा रहे हैं अब्रॉड में, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, नाइट लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ट्रेलर है एक्साइटमेंट उसके बारे में। ट्रेलर बहुत अच्छा था और अभी पिक्चर देखेंगे सब परिवार के साथ। ट्रेलर ऑब्वियस उनके डांस मूव्स वगैरह ऑलवेज जैसे हमेशा अच्छे रहते, वैसे ऑलवेज गुड मूव, और उनकी मूवी, उनका स्माइल, उनकी वगैरह, वो सब ऑलवेज हमेशा देखने में मजा ही आता है। ओके, सुशांत की एक्टिंग की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत पसंद आती है आपको? पसंद उनकी स्माइल, हमेशा जो है ना दूसरों को भी स्माइल कराने में मजबूर हो जाए, ऐसी उनकी स्माइल है। उसका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसकी एक्टिंग अच्छी है, क्योंकि वो मतलब बहुत सीरियल से ऊपर आया है, और उसका जो फर्स्ट सीरियल था पवित्र रिश्ता वो मैं हमेशा देखती थी, तो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि उसकी मूवीज भी देखने की। एक्टिंग अच्छी लगती है और एक्शन उसका है और पारिवारिक फिल्म है, अच्छी बनाते हैं पिक्चर। एक्टिंग बोले तो उनका स्माइल बहुत अच्छा है, स्माइल पे तो विदा MS धोनी और वैरायटी जो एक्टिंग में करते हैं अलग अलग रोल में, छिछोरे हो गया, MS धोनी हो गया, बहुत अच्छा मूवी में उन्होंने अच्छे अच्छे रोल किए, उनके एक्टिंग तो मतलब वर्सेटाइल एक्टर है वो, और उनकी स्माइल बहुत किलर है भाई। पब्लिक ने सब मिल के उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे उन्होंने अभी नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं, तो एक्चुअली पब्लिक ने मिल के थिएटर में जाके देखना चाहिए, और हॉटस्टार में स्पेशली फ्री है मूवी तो देखना ही चाहिए, और उनको बहुत एंड मूवी है, तो मतलब लास्ट का मूवी उनका, उनके बाद तो मूवी आने नहीं वाला, तो बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट दिखाना चाहिए, मेरा तो यही ख्वाहिश है, और नेपोटिज्म बंद होना चाहिए बस, टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए लोगों ने। सुशांत मतलब कोई बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो रियली घड़ा हुआ एक्टर अपन कह सकते हैं कि अपने आप में एक एक्टर बनना है, मतलब नीचे से ऊपर आया हुआ बनना है, तो रियल एक्टर है, मतलब नेचुरल एक्टिंग लगती है उनके अंदर, देखेंगे ना प्रॉपर एकदम नेचुरल एक्टिंग लगती है, ऐसा कुछ फेक टाइप का ऐसा वैसा कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट एक्टिंग लगती है। जी तो सुशांत का एक्टिंग है वो तो मतलब वो शायद एक मेथड एक्टर है, वो जो भी उनको आप रोल देंगे तो वो अकॉर्डिंगली उस पर अडाप्ट कर लेते हैं, तो फिर ये मूवी भी एक बहुत अच्छी हिट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह ट्रेलर का रिव्यूज़ आया और जैसे मैंने भी देखा है ट्रेलर, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है ट्रेलर। ओके, लास्टली मूवी के लिए क्या मैसेज देना चाहिए कि 24 को जब रिलीज होने जा रही है? मेरा तो एक बेसिक मैसेज रहेगा कि जैसे ये अब सबको पता है कि हॉटस्टार पे फ्री कर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि पायरेसी को अब जो है इससे
मतलब अटैक मत कीजिएगा इस पर, क्योंकि आइडियली ये जो मूवी है फ्री है जो भी हॉटस्टार के मेंबर्स है या फिर नॉन सब्सक्राइबर्स है उनके लिए, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखिएगा। हाँ, तो जो वेब्स जो वीडियो या वेब सीरीज को रिलीज कर रहे हैं उसी के थ्रू देखेंगे हम। सुना है कि मतलब अमेजोन से आ रहा है हॉटस्टार, जो भी कर रहा है उसके थ्रू आ रहा है, तो देखेंगे। हाँ, लेकिन पायरेट नहीं करेंगे, वह ऐसे फैला के नहीं देखेंगे, पेड करके देखेंगे, जिससे सुशांत के जाने के बाद अगर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन या उसका फाइनेंशियल कुछ भी उसके फैमिली को जाता है तो वो हेल्प सुशांत की फैमिली को मिले, इसके लिए हम लोग ओरिजिनल जहाँ से दिखा है वहाँ से देखेंगे। पब्लिक ने सब सब मिल के उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे उन्होंने अभी नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं, तो एक्चुअली पब्लिक ने मिल के थिएटर में जाके देखना चाहिए, और हॉटस्टार में स्पेशली फ्री है मूवी तो देखना ही चाहिए। और उनको बहुत एंड मूवी है, तो मतलब लास्ट का मूवी उनका, उनके बाद तो मूवी आने नहीं वाला, तो बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट दिखाना चाहिए, मेरा तो यही ख्वाहिश है। और नेपोटिज्म बंद होना चाहिए, बस टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए लोगों ने। मूवी तो ट्रेलर के हिसाब से अच्छी होगी, और आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई प्राइवेसी ना करे और हॉटस्टार पे जाके देखे, क्योंकि ये फ्री मूवी है। जैसे कि इनकी आखिरी मूवी है तो ये वर्ल्ड वाइड हिट हो, और पायरेसी ना करें, हॉटस्टार पे फ्री है, तो प्लीज़ जाके उधर देखें प्लीज़। जो पिक्चर आ रही है सुशांत की वो हॉटस्टार पे जाके देखिए, पायरेसी मत देखिए।